हेलो एवरीवन, वेलकम टू किचन अफेयर्स। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसे बनाने के लिए कुछ ही मिनटों का टाइम लगता है और साथ में बहुत ही टेस्टी लगता है और सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आता है। आप इसे स्नैक्स में बना सकते हैं या फिर किसी भी बिजी मॉर्निंग्स में ब्रेकफास्ट में प्रिपेयर करके सर्व कर सकते हैं। डेफिनेटली आपका टाइम सेव करेगा। तो चलिए इस क्विक और इजी एग मेयो सैंडविच की रेसिपी देख लेते हैं। एग मेयो सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे 3 बॉइल्ड एग्स ली हूँ। इसे हम मैश कर लेंगे एक फोर्क के हेल्प से, इस तरह से। देखिए, इसे हमें पूरा पेस्ट की तरह नहीं बनाना है, ऐसे ही रखना है। अब हम यहाँ पे डालेंगे 3 बड़े चम्मच भर के मेयोनेज। यहाँ पे मैं एगलेस मेयोनेज का यूज कर रही हूँ। नेक्स्ट इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर या फिर काली मिर्च का पाउडर। अब इसमें डालेंगे जरा सा नमक, बहुत ही कम नमक का यूज कीजिएगा क्योंकि मेयोनेज में भी ऑलरेडी नमक रहता है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून ओरिगेनो। ओरिगेनो इसमें पूरी तरह से ऑप्शनल है, आपके पास अगर नहीं है तो आप इसे स्किप करके बिना ओरिगेनो के भी बना सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, ये भी इसमें ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है या फिर अगर आप इसे खाना पसंद नहीं करते तो। अब हम इन सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इस सैंडविच को बिना ओरिगैनो और रेड चिली फ्लेक्स के भी बना सकते हैं और ये बहुत टेस्टी बनता है सिर्फ मेयोनेज और थोड़े से ब्लैक पेपर और थोड़े से नमक डाल के भी अगर आप इसे प्रिपेयर करें तो। ये बहुत ही इजी है और क्विक रेसिपी है और इसमें ज़्यादा एफर्ट या फिर ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं है और साथ में बहुत ही टेस्टी बनता है और झटपट बन के रेडी भी हो जाता है। ये डेफिनेटली टाइम सेविंग रेसिपी है। ये स्टफिंग बन के रेडी हो चुका है। अब हम 4 से 6 पीसेस ब्रेड लेंगे, फ्रेश ब्रेड का ही यूज कीजिएगा इसमें। ब्रेड के ये जो ब्राउन वाले साइड से, इसे हम चारों तरफ से काट लेंगे। यहाँ हमारा ब्रेड भी रेडी है, ये देखिए चारों तरफ से मैंने इसे काट लिया है। अब हम इस ब्रेड को स्टफ करेंगे जो एग और मेयोनेज का मिक्सचर हमने रेडी किया है उससे। एक पीस ब्रेड लेंगे और उसमें अच्छे तरह से जेनरस अमाउंट में ये स्टफिंग भरेंगे। अब इसके ऊपर और एक पीस ब्रेड रखेंगे और इसे हल्के हाथों से प्रेस कर लेंगे। सेम प्रोसेस से बाकी के ब्रेड में भी स्टफिंग भर के सैंडविच रेडी कर लेंगे। अब इसे इस तरह से बीच में से काट लेंगे और हो गया हमारा झटपट वाला सैंडविच रेडी। और देखिए ये अंदर से भी कितना यम्मी लग रहा है। अब चलते हैं इसे सर्व कर लेते हैं। आप भी इस क्विक डिलीशियस और एफर्टलेस सैंडविच की रेसिपी को अपने घर में एक बार जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको यह रेसिपी कितनी पसंद आई। और अगर पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज किचन अफेयर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और भी नए नए वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।